अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो नोएडा व गाजियाबाद में अलग अलग स्थानों पर कार में सवारियों को बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने गैंग के चार बदमाशों को सेक्टर 44 से गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में अपराधियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 अवैध चाकू व ₹50,000 की नकदी बरामद हुई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक का नाम राजेश कश्यप उर्फ भेड़ा है, जो गैंग का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक राजेश कश्यप पहले भी आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। गैंग को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस गैंग द्वारा टैक्सी कैब की नंबर प्लेट को बदलकर भोले भाले लोगों को अपनी कार में बिठाया जाता था और फिर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। कार में सवारियों को बिठाने के बाद ये उनके साथ मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। नोएडा की थाना सेक्टर 39 पुलिस ने सेक्टर 44 से नोएडा व गाजियाबाद में अलग अलग स्थानों पर कार में सवारियों को बिठाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें गैंग का सरगना भी शामिल है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और इनके द्वारा लूट की जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया है उनकी भी तहकीकात की जा रही है।